धागा क्रिएशंस बाय नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे स्टेम स्टिच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज हम स्टेम स्टिच सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं स्टेम स्टिच कैसे होती है। स्टेम स्टिच से हम सबसे पहले लाइन के कोने में धागे को निकालेंगे कुछ इस तरह। धागे को नीचे की ओर रखते हुए सुई को एक ओर अंदर डालेंगे, दूसरी ओर से बाहर निकालेंगे और छोटे छोटे टाके लेते हुए आगे बढ़ेंगे कुछ इस तरह। कोशिश करिए कि टाके छोटे हों और बराबर हों। धागे को लाइन के नीचे की ओर रखते हुए सुई अंदर डालेंगे और पहले टाके के पास सुई को निकालेंगे। अगर आप ये कढ़ाई पहली बार कर रहे हैं और बराबर टाके नहीं आ रहे हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगे। बस इसी तरह अपनी लाइन को पूरा करें। लाइन पे करने से प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो पहले से एक लाइन बना लें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। बनने के बाद ये कढ़ाई कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये कढ़ाई फूल की पत्तियाँ, फूल और स्टेम बनाने में बहुत उपयोगी है, इसीलिए इसको स्टेम स्टिच भी कहा जाता है। आज हमने इस रुमाल पे ये फूल बनाया है जो कि ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस किया है। इस फूल को हम स्टेम स्टिच से भरना सीखेंगे। आइए देखते हैं कैसे। डिजाइन के कोने में हमने धागा निकाल लिया और जिस तरीके से हमने स्टेम सीखी थी, लाइन के नीचे धागे को रखते हुए डिजाइन के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हमें अपनी कढ़ाई को पूरी करनी है। ध्यान में रहे कि धागा बहुत लंबा ना हो वरना उलझेगा और कढ़ाई को ज़्यादा खींचे नहीं वरना कपड़ा फटने की डर रहता है। बस इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आपका डिज़ाइन पूरा हो जाएगा। लाइन को नीचे की तरफ रखें ये हमारी स्टेम कंप्लीट हो गई। अब पत्ती की तरफ जाने के लिए हमें सुई को नीचे लेकर जाना है और जहां से पत्ती शुरू होगी वहां पे सुई को निकालना है और ठीक उसी तरीके से स्टिच को आगे बढ़ाना है। धागे को नीचे की तरफ रखते हुए कढ़ाई करते रहनी है, लाइन को और डिजाइन को फॉलो करना है। इस तरीके से आपकी स्टेम और पत्ती खत्म हो जाएगी और डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। डिजाइन कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ आप अपने मन चाहे रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने येलो, ऑरेंज और ग्रीन से इस फूल को कंप्लीट किया है। सारी स्टिचेस स्टेम स्टिचेस ही हैं और इस तरीके से फूल कंप्लीट हो गया है। आप अपने मन चाहे रंगों का इस्तेमाल करें और सुंदर सुंदर इसे डिज़ाइन बनाएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कृपया कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दें कि आगे के वीडियोस में आप क्या देखना चाहेंगे और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे कि आप हमारे नए वीडियोस के अपडेट को मिस ना करें।